हेलो एवरीवन, मैं प्रीति, प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियो को देख सके। तो गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी दिन से दी, अपना वेडिंग मेकअप लुक क्रिएट कीजिए, अपना ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कीजिए, जो लुक आपने अपनी शादी में क्रिएट किया था सेम वही लुक क्रिएट कीजिए, वही ज्वेलरी पहनिए, वही लहंगा पहनिए। तो फाइनली मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, वही ज्वेलरी, वही लहंगा, वही मेकअप सेम कुछ किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छा अच्छा क्लोजअप दिखाया, एंड में और ही अच्छा क्लोजअप आपको देखने को मिलेगा। अगर अच्छा अच्छा क्लोजअप देखना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा क्लोजअप देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट में है, 120 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है और इससे आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। और इसको मैं बहुत सारा यूज करती हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है जब आपकी स्किन में ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। हमारा रोज़ टोनर अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्व हो चुका है। इसके बाद हम ले रहे हैं लैक्मे ब्रांड, तो इसको हम ले लेते हैं मॉइस्चराइज़र लैक्मे का। मैंने फाउंडेशन भी लैक्मे का ही इस्तेमाल किया था, ये थोड़ा सा जम जाता है ठंड में, ये देखिए इतना सा लेंगे और अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। बैंगल्स मेरे सेम है, जो मैंने यहाँ पे पहना हुआ लहंगा वो भी मेरा सेम है, सारी चीज़ें मैं सेम ही करूँगी। इसको अपनी स्किन में अच्छे से लगा लेना। तो ज्वेलरी से लेकर लहंगे से लेके सारी चीज़ें मैं अपनी, मैंने सोच रखा जो मैं अपने ब्राइडल मेकअप में, रियल ब्राइडल मेकअप में रेडी हुई थी सेम उसी तरीके से करूँगी। ज्वेलरी लहंगा तो सेम है, कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल पाए हैं जो मैं उस टाइम में यूज की थी, बट कोई नहीं, इसको अच्छे से लगा लेना है, 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रही हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो बजट में है, बहुत ही अच्छा है। उस टाइम में मैंने लगाया था प्राइमर लैक्मे का, बट इस टाइम मेरे पास अभी नहीं है लैक्मे का, तो मैं हुडा ब्यूटी ले ली, आप ब्लू हेवन ले लीजिएगा। मैं ले रही हूँ अपना मोर्शी का पैलेट, उसमें से सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, ये वाला, इस तरीके से क्रीज लाइन में अप्लाई करना है। आप दोनों ही आई में हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन में, उस टाइम मैंने जो पैलेट लिया था ब्लू हेवन का लिया था। इसके बाद हम लेंगे लैक्मे का काजल, जो मेरा फेवरेट है, इसको हम अपने पूरे आईलेट पे लगाएंगे। दोनों ही आईलेट पे ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। बस आईलेट पे ही लगाना है आपको, ऊपर नहीं जाना है। अच्छे से ही ब्लेंड करना है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ब्लैक शेड लेंगे, हल्का सा लेंगे, जस्ट हल्का सेट करने के लिए बस, ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला शेड मैं लूंगी अब अपना रेड वाला, ये वाला देखिए, ये वाला शेड
ये देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा लेकर अप्लाई करना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके अप्लाई करना। ये देखिए सेम इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करना है आपको। अच्छे से ही लगा लेना है। ये देखिए थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे हल्का सा, ताकि जो हमारा आई शेडो है अजीब ना दिखे। इस तरीके से हल्के हल्के से आपको क्रीज लाइन के पास ब्लेंड कर लेना है। सेम इसी तरीके से इधर भी। इस तरीके से ये देखिए तो हमारा ब्लेंड हो चुका है, और इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए और थोड़ा सा जो आपको हमारा जितना फॉल आउट हुआ उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं क्लीनिंग से आई के पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें काजल अप्लाई करना है, सेम काजल जो हमने आई लिड पे अप्लाई किया था, और अच्छे से ही आपको लगाना है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अच्छे से ही आपको ब्लेंड करना है। और इसके बाद सेम हमको फिर वही रेड वाला सेट पिक करना है, ठीक है। तो मैं लूंगी और हल्का हल्का सा अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम में नहीं किया था। इस तरीके से सेम इसी तरीके से इसमें भी ब्लेंड कर लेना। हल्का। और इसके बाद हम लेंगे अपना ब्लैक ब्राउन शेड जो मैं आईब्रो को फिल करने के लिए लेती हूँ, ये वाला थोड़ा थोड़ा सा लेकर। ग्रो कॉम की हेल्प से इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ताकि जो हमारा स्ट्रा वो निकल जाए और हमारी आईब्रो नेचुरल दिखे। इस तरीके से। इसके बाद मैं लगाऊंगी एनवाईबी का कंसीलर। ध्यान रहे कि आपको आईब्रो में नहीं जाना, वरना आपकी आईब्रो का जो शेप आपने दिया है सेट किया है वो खराब हो जाएगा। ये देखिए। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीज ब्यूटी का पैलेट लेंगे और इसमें से मैं हाइलाइटर वाला सेट पिक करूंगी। सेट पिक करना है आपको और कॉर्नर पे थोड़ा सा लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, और इधर भी सेम इसी तरीके से आपको लगाना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का अपना फाउंडेशन, तो यूज किया था तो अभी मेरे पास लैक्मे में यही है, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। अच्छे से ही लगा लेना है। आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है, और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। पहले मैं पूरा इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। ब्लेंड हो चुका है, और उसके बाद मैं ले रही हूँ कलर करेक्टर, मेरा शेड है 7। नोज पे अप्लाई करेंगे।
इस तरीके से आपको अच्छा सा शेप देना है नोच का। फोरहेड के पास ले रही हूँ, नोज पे अप्लाई करेंगे, आई के पास, ये देखिए क्या करेंगे, अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम फोरहेड के पास ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो ब्लेंड करेंगे। अब मैं हाइलाइटर वाला सेट पिक कर रही हूँ, ये वाला, उस पे करेंगे। ब्लशर के लिए सेम वही पिंक वाला सेट जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, ये वाला। नोज पे लगाएंगे क्योंकि ब्राइडल की नोज थोड़ी सी पिंक स्टोन में रहती है तो अच्छी लगती है। जस्ट लाइटली ये लाइनर, लिप लाइनर, ये सभी को कि मैं लाइनर बहुत कम यूज करती हूँ, रेगुलर वीडियो देखते हैं तो लाइनर लग चुका है। तो अब चलिए हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक। तो हमारी लिपस्टिक अप्लाई हो चुकी है, तो चलिए फटाफट से हम ज्वेलरी वगैरह पहन लेते हैं। अभी हमने फॉल्सेस नहीं लगाई थी, फॉल्सेस लगा लेते हैं। इस तरीके से लगा लेना है आपको, इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद चलिए फटाफट से हम ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो ज्वेलरी के लिए मैं अपनी रियल ब्राइडल ज्वेलरी ही पहनूंगी, जो मेरी ब्राइडल सेट है वही पहनूंगी। सबसे पहले हम पहनेंगे अपनी लॉन्ग वाली ज्वेलरी, ये है वो ज्वेलरी मेरी शादी की। तो अभी मैंने जूड़ा नहीं बनाया क्योंकि प्रॉब्लम होती है। दुपट्टा मैंने लगा लिया, काफ़ी हैवी दुपट्टा, आप इसको अकेले नहीं लगा सकते हो, बट फिर भी मैंने लगा लिया। तो ये है उसकी, इसकी एयरिंग, ये है काफ़ी हैवी, ये मेरे कान में पेन हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा है। तो इसको हम उतार देते हैं, इसको मैं जब फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी जब भी मैं पहनूंगी, क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसका फॉल्सेस उस टाइम में मैंने नहीं लगाई थी, तो फॉल्सेस मैंने लगा ली है। और मेरे यहाँ से हेयर भी निकले थे बट मैं भूल गई हूँ, चलिए कोशिश करती हूँ निकालने की। तो मैंने उन्हें हेयर को कर्ल किया था, ऐसे निकाल लेती हूँ, ये देखिए नहीं निकल रहे, काफ़ी टाइट मैंने जूड़ा बांधा इस वजह से। बहुत मुश्किल से टीका वगैरह, अकेले थोड़ी सी मुश्किल होती है,
इसीलिए तो हल्के हल्के से निकल ही आए हैं। मेरा रियल ब्राइडल मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आपको अच्छा अच्छा सा क्लोजअप दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी नया मेकअप लुक आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी कोशिश करूँगी वो लुक क्रिएट करने की। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, टिकटॉक पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। जो ड्रेस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल पाती है, मैं सारी ड्रेस नहीं दिखा पाती हूँ कभी कभी, तो वो आपको टिकटॉक पे आराम से देखने को मिल जाएंगी। और ये कुछ इस तरीके से मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि लहंगा किस तरीके का था मेरा ब्राइडल वाला। और इंस्टा पर मैं सेम टिकटॉक की वीडियो ही शेयर करती हूँ, तो वहाँ पर फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के।